साथी जिनको नई जिम्मेवारी दी जाएगी वो पार्टी के कार्यक्रमों को अपने इलाके के अंदर अपने जिला क्षेत्र में उसको बढ़ाएंगे कि जिससे कि हमारी पार्टी मजबूत हो, नीक साहब के हाथ मजबूत हो, रमन जी के हाथ मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो, जिससे कि एक बल मिले हमारे सोनिया गांधी जो हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष हैं और हमारे युवा नेता जो राहुल गांधी जी हैं उनको भी बल मिले और आप सभी लोग इस कांग्रेस के पॉलिसी प्रोग्राम्स को आगे लेकर जाएं और जहां जहां भी आपके क्षेत्र हैं वहां आप काम करें। ये कांग्रेस पार्टी एक सियासी जमात ही नहीं, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी, कि हम लोग गरीबों के उत्थान के लिए काम करें, अपने छोटे वर्ग के लोगों के लिए भी उठान के लिए काम करें। जहां किसी को किसी किस्म की जरूरत पड़ती है, किसी मदद की जरूरत पड़ती है, कहीं पानी की समस्या है, कुछ लोकल इश्यू जो होती है उनको आप उठाएं। और आज के दिन पे आप लोगों का कांग्रेस परिवार के साथ जुड़ना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। हमने जो फैसला किया ये कर्मठ नेता यहाँ पे थे, अपने अपने पोस्ट को पहले यहाँ पे इनके पास थे, अच्छे ढंग से इन्होंने अपना रोल यहाँ पे निभाया और आगे बढ़ने का मौका यहाँ पे दिया। यही एक बच्चिया मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो समय की पुकार है, जरूरत है एग्रेसिव लीडरशिप की, क्योंकि जिस ढंग से पूरे देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है, दो दो मजहबों के बीच में नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही है। आप लोगों से यही उम्मीद है कि हम मिलकर उन नफरत वाली दीवारों को गिरा दें, एक सामान्य माहौल बांध पाए, खुशगवार माहौल बांध पाए और कांग्रेस की लीडरशिप सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के हाथों को मजबूत करते हुए जम्मू कश्मीर में मीर साहब के भी हाथ हम मजबूत कर पाए और जम्मू कश्मीर में आए दिन जिस ढंग से महंगाई की मार से सारा आवाम पिसता चला जा रहा है, नौजवानों की खास जिम्मेवारी है कि जिस ढंग से इस सरकार ने सत्ता हासिल करते हुए नौजवानों को गुमराह किया, रोजगार देने के बाद पकौड़े बनाने की सलाह दी, आज नौजवान भी परेशान है। आज ये सारे साथी मिलके उन नौजवानों की आवाज़ को भी बुलंद करेंगे, जिस ढंग से उदय भानु चीफ साहब जो हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी यहाँ पे हैं, नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज पूरी लीडरशिप जो है वो इनके साथ खड़े रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नया दौर शुरू होगा उसमें आर्नामेंटल पॉलिटिशियन यहाँ पे नहीं होगा। आप सभी आज रमन भल्ला जी की संस्पष्टी में आप लोग कुछ पार्टी के अंदर ज्वाइन कर रहे हो और कुछ साथी हमारे जो प्रमुख होंगे सबसे पहले तो हमारी हाई कमांड दिन रात एक करके मेहनती हैं, बाहू के वार्ड के प्रेसिडेंट भी हैं और यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं लतीश शर्मा जी और सभी लोगों को होशियार जी और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है, प्रमोशन कर रहे हैं सानी साहब भल्ला साहब के आशीर्वाद से, बहुत अच्छी बात है। एक तरफ कुछ वैसी ताकतें जो हो सकता है देश विरोधी ताकतों की समर्थन से यहाँ पे सत्ता में आ रही है, चाहे वो पंजाब हो या कुछ हो, और दूसरी तरफ आप उस पार्टी का दामन थाम रहे हो और ये वो पार्टी वैसे भल्ला साहब जैसे लीडर जो दिन रात लोगों की सेवा करते हैं उनकी शरण में और उनके आशीर्वाद से आप यहाँ पे आ रहे हो, तो ये सिर्फ आपके लिए नहीं देश के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी लीडरशिप सिर्फ कांग्रेस के पास है जो लोगों के बारे में सोचती है, जो इंसानों के बारे में सोचती है, जो जुमलेबाजी नहीं करती, देशविरोधी ताकतों से पैसा लेकर सरकार बनाने की साजिशें नहीं करती। ये वो लोग हैं जो गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, सच्चे भारतीयों के साथ खड़े रहते हैं। तो आप शेखर साहब और हमारे जो यूथ के साथी भी हैं नीतीश कुमार जी और वार्ड भी देखते हैं हमारे बहुत का माइकल जी और बाकी जो साथी हमारे बीच में आए हैं पार्टी